विधायक गणेश जोशी ने मसूरी माल रोड स्थित सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सहयोग से 2,80,00,000 रुपए की लागत से लगने वाली फसाद लाइट का शिलान्यास किया। नवभारत समाचार मसूरी उत्तराखंड से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। देखिए, मसूरी एक ऐतिहासिक जगह है और मेथोडिस्ट चर्च की ऐतिहासिक बिल्डिंग है और आज जो MBDA द्वारा ये सराहनीय प्रयास इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए किया गया है, मैं इसकी पूरी सराहना करता हूँ। और निश्चित तौर पे मसूरी, क्योंकि देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक मसूरी आते हैं, तो निश्चित रूप से बिल्डिंग का सौंदर्य बढ़ेगा और मसूरी और सुंदर, मसूरी पे और चार चांद लगने का कार्य लगेगा। सर, जैसे तिलक लाइब्रेरी है उस पर भी लगना चाहिए था, घंटाघर भी लगना चाहिए। बिल्कुल, नगर पालिका भी प्रयासरत है, पुलिस चौकी की जो बिल्डिंग है उस पर नगर पालिका द्वारा भी फसाद लाइट का शुरू किया जा रहा है। चूल्हा घर का भी पालिका द्वारा फसाद लाइट का कार्यक्रम नहीं लगाने का उद्घाटन हम जल्दी मदन कौशिक जी द्वारा कराएंगे और उम्मीद है कि मसूरी में इस सोसाइट लाइट से मसूरी की सुंदरता बढ़ेगी। शहीद स्थल घंटाघर भी प्रस्तावित है क्या? बिल्कुल, शहीद स्थल और घंटाघर भी इसमें प्रस्तावित है। एक एक करके ही हम इसमें चीजें लेंगे और सोसाइट लाइट से मसूरी को सजाएंगे। कब तक पूरा होगा? मेथोडिस्ट चर्च मसूरी का एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्राचीनतम चर्च है। एक साल पूर्व लाइब्रेरी पर माननीय मुख्य अतिथि जी से मैंने इसकी घोषणा करवाई थी। कोरोना, क्योंकि फरवरी माह से कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से इसको हम समय पर पूरा नहीं कर पाए, लेकिन प्रेम भाई ने मेरे से आग्रह किया था और मैं क्रिसमस पर ये तोहफा अपने मसूरी वासियों को, अपने क्रिश्चियन समुदाय के भाई बहनों को देना चाहता हूँ। क्योंकि एक, जैसा कि मैंने कहा कि मेथोडिस्ट चर्च एक ये आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है और सबसे बड़ी बात है कि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इसको लगने के बाद इसके सौंदर्य में चार चांद लग जाएंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। ये समय पे पूरा हो जाएगा काम इसका? बिल्कुल, ये समय पे पूरा हो जाएगा। और यही नहीं, हम माल रोड को भी सौंदर्यकरण करने जा रहे हैं। धीरे धीरे जितनी भी घोषणाएँ हमने यहाँ पर की हैं, एक के बाद एक उस घोषणा को हम पूरा कर रहे हैं। तो ये पहली सरकार है, ये पहले मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की लगभग 85% घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं और बाकी 5%